तो मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की बात करते हैं, इसके साथ ही देखिए खेती में काम काज तेज हो गया है, किसानों ने बोनी शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा स्थित अपने खेतों में खुद ट्रैक्टर चलाकर खरीफ फसलों की बोनी की। पटेल ने अरहर, मक्का, उड़द की बोनी अपने खेतों में करके किसानों को ये संदेश दिया कि वे भी सोयाबीन के साथ अन्य फसलों पर भी ध्यान दें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि वो किसान हैं और हमेशा अपने खेतों में फसल की बोनी और कटाई की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो कमल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद बहन जी। जी कमल जी, जिस तरीके से हम ये वीडियो देख रहे हैं, खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम जब खेती के, आज गंगा दशमी है, सबसे पहले तो गंगा दशमी की सबको बधाई और गंगा दशमी के दिन से मुहूर्त करते हैं बोनी का, खरीफ फसल का। और आज मैंने अपने खेत में मुहूर्त किया बोनी का और ट्रैक्टर चला के किया, चूंकि मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ और इसलिए हर बार जब बोनी होती तो मुहूर्त भी मैं ही करता हूँ, जब कटाई होती तो उसका भी मुहूर्त करता हूँ। जी कमल जी, जी बिल्कुल अपनी बात रखे। दूसरा ये है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे यहाँ तवा नहर का पानी है होशंगाबाद हरदा जिले में, और पहले जब पानी नहीं था तो हम कपास लगाते थे, कपास के अंदर अरहर के वो चांस लगाते थे जी। उसके बाद जब नहर आ गई तो फिर सोयाबीन शुरू किया, पहले काली तुअर थी वो, उसके बाद फिर पीली सोयाबीन आई। इसमें किसानों की थोड़ी स्थिति अच्छी हुई, जो फसल अच्छी होती थी, लेकिन अभी लगातार 4-5 सालों से सोयाबीन की फसल खराब हो रही है और उसमें अंदर रोग लग रहा है, बीज में भी रोग लग गया है, उससे किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, घाटे की खेती हो रही है सोयाबीन। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि किसानों की खेती लाभ का धंधा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि किसान की आय 2022 तक हमको 2 गुना करना है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने किसानों को लाभ दिलाने के लिए हमने चना, सरसों, मसूर जो रबी की फसल है उसको मई में खरीदी जाती थी समर्थन मूल्य में, तब तक जी। कमल जी, क्या आपको लगता है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिस तरीके से अरहर, मक्का और उड़द पर फोकस किया जा रहा है? सोयाबीन की जगह दूसरा फसल का बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सोयाबीन को लगातार 30-35 साल हो गए और इसलिए अब वो उपयोगी नहीं रही है, लाभ का धंधा नहीं है, इसलिए उसकी जगह हमको अरहर, मक्का, ज्वार, तिल, उड़द और बाकी फसलों पर विचार करना पड़ेगा। बाकी जहाँ सिंचाई है वहाँ गन्ना, बाकी मिर्ची, टमाटर, अदरक, हल्दी, आलू, ये दूसरी चीजें लगाए उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसलिए हमने इस बार, हमारे परिवार में भी 200 एकड़ में हम सोयाबीन बोते थे, लेकिन इस बार मुश्किल से 10-20 एकड़ में लगाएंगे मात्र, बाकी फसल चक्र बदल रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे को घाटा होता है। और किसान खेती घाटे के लिए ना करें, हमारे बुजुर्ग और ये हर नेता, हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री कहते हैं खेती घाटे का धंधा से लाभ का धंधा बनाएंगे, तो लाभ का धंधा कब बनेगी, जब हम फसल चक्र में परिवर्तन करेंगे। अगर हम परंपरागत घाटे की खेती करते जा 1600 के 1000 करें तो ये तो समझदारी का काम नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपने जो संदेश दिया है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद किसानों के लिए रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप